अगर आपने प्रदीप पांडे, चिंटू और शिल्पा पोखरिन के इस नए फिल्म का ट्रेलर नहीं देखा है तो वर्ल्ड रिकॉर्ड भोजपुरी पे देख लीजिए। ट्रेलर कुछ खास तो नहीं कर रहा है, लेकिन ट्रेलर में क्या खास है हम आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वैसे हर एक भोजपुरी फिल्मों की तरह ही ये भी एक रोमांटिक मूवी है। हीरो का नाम प्रेम है, हीरोइन का नाम गीत है, इसलिए फिल्म का नाम पड़ा है प्रेम गीत पार्ट टू। तो चलिए आपको बता देते हैं कि नेपाल के डायरेक्टर हैं सोनू खत्री और उन्होंने ये फिल्म बनाई है। उन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस भी किया है और इस फिल्म में कुछ आपको खास तो कुछ नहीं मिलेगा देखने को। ये वही घिसी पिटी बॉलीवुड और भोजपुरिया स्टाइल वाली फिल्म है जिसमें हीरोइन को पाने के लिए हीरो क्या क्या करता है ये सब कुछ दिखाया गया है। प्रेम को पाने के लिए गीत और गीत को पाने के लिए प्रेम किस तरह के संघर्ष करते हैं ये ट्रेलर में भी नज़र आता है। लेकिन ट्रेलर में एक बहुत ही अच्छी बात है, लोकेशन। जी हाँ, भोजपुरी में अभी तक आपने इतनी बेहतरीन लोकेशन वाली फिल्म नहीं देखी होगी। लोकेशन इस तरह यूज़ किए गए हैं मानो आप कोई बॉलीवुड या साउथ की बेहतरीन फिल्म देख रहे हों। वैसे इन दिनों प्रदीप पांडे चिंटू अपने करियर में कुछ खास नहीं कर रहे हैं, उनके लिए ये फिल्म समझ लीजिए संजीवनी वरदान है। अगर ये फिल्म हिट होती है तो उनका करियर चल निकलेगा, वरना उन्हें अपने करियर को लेकर सोचना ज़रूर पड़ सकता है। इस फिल्म में प्रदीप पांडे चिंटू के लुक पर भी काफ़ी अच्छा काम किया गया है, वो बहुत ही हैंडसम लग रहे हैं। साथ ही फिल्म की हीरोइन ने कुछ खास काम तो नहीं किया है रोने धोने के अलावा, लेकिन उनके खूबसूरती के चर्चे हैं। वैसे इन दोनों की जोड़ी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही है। प्रदीप पांडे चिंटू का एक्शन नेचुरल लग रहा है फिल्म में, जो कि अमूमन उनकी फिल्मों में होता आ रहा है। वैसे आपको बता दें कि पांडे जी का बेटा हूँ, चुम्मा चिपक कर लेता हूँ जैसे कोई भी गाने इस फिल्म में आपको सुनने को नहीं मिलेंगे। जो भी गाने हैं काफ़ी मेलोडियस हैं। अमित शुक्ला की एक्टिंग काफ़ी दमदार है, वो हम इसलिए भी कह रहे हैं कि वो जब भी स्क्रीन पर आते हैं तो उन पर निगाहें टिक जाती है। वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी की तरफ से ही ये फिल्म रिलीज़ भी की जाएगी, लेकिन अभी रिलीज़ डेट इसकी सामने नहीं आई है। हो सकता है कि रिलीज़ इस फिल्म को तब किया जाए जब ये पैंडेमिक हट जाए। वैसे इस ट्रेलर को उतना खास रिस्पॉन्स नहीं मिला है। ट्रेलर ने 15 घंटे में 2 लाख व्यूज़ ही हासिल किए हैं, जो कि प्रदीप पांडे चिंटू के स्टारडम के आगे काफ़ी कम है। वैसे आपको बता दें कि फिल्म में एक्शन सीन बड़े ही शानदार तरीके से फिल्माए गए हैं, थोड़े हैं लेकिन जितने भी हैं बहुत ही बेहतरीन हैं। साथ ही साथ आपको हम यहाँ ये बता दें, फिल्म सोनू खत्री की है जो कि नेपाल के डायरेक्टर हैं और वो एक्शन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन रोमांटिक प्लस एक्शन फिल्म बना रहे हैं और जिसमें रोमांस की संभावनाएं ज़्यादा हैं। तो खैर, हम आपको आगे लेके चलते हैं और आपको बताते हैं कि इस फिल्म के एक और ख़ास बात के बारे में। इस फिल्म का म्यूज़िक काफ़ी स्मूदी है, काफ़ी सुनों को बड़ा ही कर्णप्रिय लगता है। वो आप इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि भोजपुरी में आजकल पलंगिया सजिया से उठकर अगर कुछ आया है तो इस फिल्म का म्यूज़िक। अब भोजपुरिया दर्शक जिन्हें अच्छा देखने की आदत है तो फिल्म तो हिट करा देंगे, लेकिन जिन्हें अच्छा देखने की आदत नहीं है, जिन्हें अश्लीलता ही हर जगह दिखती है, तो उनके लिए ये फिल्म आपको डिसअपॉइंट करेगी। तो चलिए हम आपको बता दें, 5 out of 3 stars इस फिल्म को दिया जाता है, जिसमें से आप इस फिल्म के लोकेशन को सबसे बड़ा जिम्मेदार मान सकते हैं, क्योंकि भोजपुरी में अभी तक इस तरह के लोकेशन को यूज़ नहीं किया गया है और जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।